अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस करिए ताकि सारे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको अपकमिंग वीडियोस के मिलते रहें। फोन मत करना, बताइए नहीं पता चल जाएगा, फोन मत कर, हम बताएंगे ये नहीं बताएंगे। चलो 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 चलो, अब एंट्री कर रहे हो तुम। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्कू लाइफस्टाइल एंड किचन। कैसे हो आप सब? आई विश यू अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हमारी व्लॉग सीरीज शुरू होती है यहाँ से। तो आज है 30 नवंबर और मॉर्निंग के अभी बज गए हैं 6:15 और हम देखो पिंक पिंक दोनों पिंक पिंकी पिंक विद अ पिंक जीन एंड पिंक विद अ पिंक विद अ पिंक जीन एंड वी ऑलरेडी रेडी टू लीव फॉर एयरपोर्ट। हम एयरपोर्ट निकल रहे हैं, हमारा लगेज विल शो यू देयर, जस्ट कम विद मी। हाँ ये देखिए, ये लगेज 1 and 2 लगेज एंड दिस इज द हैंड बैग एंड दिस लेडीज हैंड बैग। सो वी आर ऑल रेडी। सो हम सुबह के 4 बजे उठ गए थे, हालत थोड़ी थोड़ी सी खराब लग रही है क्योंकि सो भी नहीं पाया, रात में नींद नहीं आई एक्साइटमेंट की वजह से ये सोए थे। मुझे थोड़ा थोड़ा सा फीवर लग रहा है तो मैं जा रही हूँ अभी एक मेडिसिन लेने के लिए और बस अभी हम आई थिंक 10-15 मिनट में निकलेंगे। 15 मिनट में अभी हम 10 मिनट में ऑर्डर करते हैं और अभी देखते हैं आगे आगे हम क्या शूट करते हैं ऑन द वे। ओके, इट बी ऑन, सी रिकॉर्डिंग विल बी ऑन, हाउ इट विल बी कम अलोंग वी डोंट नो, लेट्स सी। ओके देन, कैच यू अप। अभी हमारी टैक्सी हम ऑर्डर करेंगे 10 मिनट में और फिर हम निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए एंड वी विल बी कनेक्टेड विद यू। और बताना जरूर हमारा ये पिंकी पिंकी लुक कैसा लगा। हां, दिस इज व्हाट वी वांट टू गिव अ पिंक सरप्राइज फॉर देम, सो लेट्स होप दे लाइक इट। चलो ओके देन, सी यू। आप लोगों से एक ज़रूरी चीज़ शेयर करनी थी। आप लोग इतने दिनों से मेरे ब्लॉग्स देख रहे हो, आपने देखा होगा मेरे बालों का टेक्सचर आज बहुत चेंज लग रहा है ना, एकदम सॉफ्ट सिल्की, रबर बैंड में बिल्कुल नहीं टिक रहे हैं। इसका एक रीज़न है, आपने अगर मेरे पुराने ब्लॉग्स पुराने वीडियोस देखे हो तो मैंने एक मेहंदी की रेसिपी या टेक्निक जो भी कह सकते हो शेयर की थी एंड एज वेल एज मैंने एक हैंडमेड DIY हेयर ऑयल की रेसिपी शेयर की थी। तो कल मैंने वो मेहंदी बना के लगाई थी मॉर्निंग में बालों में और उसके बाद मैंने ऑयल लगाया था, सॉरी परसों मेहंदी लगाई थी और परसों रात में ऑयल लगाया था और कल मैंने वॉश किया है और थोड़ा सा बहुत ज़रा सा मैंने इसमें मेरा ओरिफ्लेम का कंडीशनर लगाया, वो भी नीचे के बालों में, सिर्फ लगाया नीचे नीचे यहाँ पर, और बाल इतने सिल्की स्मूथ सॉफ्ट एकदम सिल्की हो गए हैं जैसे मेरा पुराना टेक्सचर था। तो गाइस, जस्ट आपको ये फीडबैक देना था कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखिए और इस रेमेडी को ट्राई करिए, अप्लाई करिए, ये डेफिनेटली वर्कआउट करेगा क्योंकि मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्कआउट किया है। तो चलो आप लोगों से फिर एयरपोर्ट पे मिलते हैं एंड वी आर लीविंग नाउ। यू कैन सी आवर बैगेज हियर। ये छोटा वाला अंदर ही जाएगा क्या? हाय, सो अभी हम टैक्सी में और एयरपोर्ट निकल रहे हैं और बस एयरपोर्ट पहुंचते हैं फिर आपके साथ जुड़ते हैं। अभी हम निकलते हैं एयरपोर्ट, चलो ठीक है ना? ओके चलो, टैक्सी में है तो मास्क पहनना पड़ेगा। चलो ओके बाय। तो अब हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अंदर जाकर के आप लोगों से मिलते हैं। हाय, तो अभी हम एयरपोर्ट आ गए हैं और ये रहा हमारा सब लगेज और ये हम हैं, ये पीछे है, ये हमारा पीछे डिपार्चर गेट है और बस हम बस एंट्री करने वाले हैं। तो अभी हम वो प्रोसेस फिनिश करें फिर आपको मिलते हैं, ठीक है ना? चलो भाई, बोर्डिंग पास है। हाँ, बोर्डिंग पास हमारे मिल गए, दिखाना बोर्डिंग पास भी कलेक्टेड एंड एक्चुअली हमने प्री चेक इन किया हुआ था जस्ट फॉर सेफ्टी बट उन्होंने सीट चेंज किया, हमें अच्छी सीट दे दी इमरजेंसी वाली बिग लैग स्पेस। सो ये जल्दी आने का ये फ़ायदा होता है हमेशा एयरपोर्ट, वो कहते हैं 2 घंटे पहले आओ बट थोड़ा 3 घंटे पहले आ जाओ तो थोड़ी ये तुम्हें यू नो प्रायोरिटी मिल जाती है तो अच्छा हो जाता है।
तो चलो ठीक है, अभी हम चलते हैं अपना यहाँ से, अपना मेन बैगेज चला गया है, खाली हमारे हैंड बैग से दोनों यहाँ से निकलते हैं, फिर अंदर हम जाके बैठते हैं, कुछ नाश्ता करेंगे और फिर आपसे मिलते हैं। चलो बाय। हम पहुँच गए हैं, चेक इन कर लिया है, अब वेट कर रहे हैं, अभी 7:15 हुए हैं और 9:20 की हमारी फ्लाइट है, बहुत जल्दी पहुँच गए क्रिश की वजह से, वो हमेशा डरते रहते हैं जल्दी करो जल्दी करो, हालांकि जल्दी पहुँचना भी चाहिए कुछ टू अर्ली, बट ये आराम से चेक इन हो गया, सारा लगेज वगैरह अच्छे से हो गया, सीट भी ठीक मिल गई, अच्छी मिल गई, तो बस यहाँ से जर्नी कंटिन्यू है और आपके साथ बने, आप लोग बने रहिएगा हम लोगों के साथ इस जर्नी में। हो रहा है कि हम आ रहे हैं तो हम जा रहे हैं, क्योंकि कल रात तक बात हुई है घर पे, उसके सिस्टर से भी बात हुई थी, मेरी सिस्टर से, और कुछ भी आइडिया नहीं उन लोगों को, और मैं ऐसे ट्रीट कर रही थी कि जैसे यू नो उन लोग वहीं पर है, और कुछ भी किसी को कुछ भी आइडिया नहीं है, मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि हम एक्चुअली जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग, मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे बिहेव करूँगी, वो तो शॉक होने वाले हैं, टोटली शॉक होने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे सीट से देखो यहाँ पे बीच में क्रॉस बने, तो नहीं एक एक डिस्टेंस बना के रखना, तो वैसे ही हम बैठे बीच में सामान रख लिया है, इधर खाने का कुछ सामने सोचा था कि ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ पे, वो चीज़ बंद है यहाँ पे, तो वैसे ही कुछ चाय वगैरह पियेंगे, तो बस यहाँ पे अभी हमें 2 घंटे का वेटिंग है, क्योंकि अभी 7:30 हुआ है, 9:20 पे फ्लाइट है, तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे हैं हमारे पास, तो यहीं पे हाँ, तो अभी चलो ठीक है, फिर हम आपसे मिलते हैं फ्लाइट में। ओके मोटू बहुत खुश है और अपने ससुराल वालों के लिए मिठाइयाँ खरीद रहे हैं। मैं इनको हमेशा कहती हूँ कि जीन्स और शूज़ पहना करो, ये सुनते नहीं हैं, आप लोग बताओ कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे जीन्स और शूज़ में टी शर्ट्स के साथ। सो अभी ब्रेकफास्ट में क्रिश लेकर आए हैं ये एक सैंडविच जो हम शेयर करके खाने वाले हैं, उसके अलावा इन्होंने लिया है अभी ये गर्म करा रहे हैं, माइक्रोवेव करा रहे हैं, ये कॉम्बो है इडली और वड़े का, वो भी मैं आपको दिखा देंगे क्या क्या है उस कॉम्बो में, तो बस ये हमारा ब्रेकफास्ट होगा। तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट, देखो क्या क्या है इसमें, इडली है, वड़ा है, सांभर है और चटनी है। बोलो से समथिंग, वो ब्रेकफास्ट है, ये खाते हैं और फिर चीज़ लंच करेंगे लखनऊ। सो अभी हम बोर्डिंग पास ले रहे हैं और अभी अभी फेस मास्क लेने के लिए जा रहे हैं यहाँ पे इनके पास, नहीं नहीं सफरी साइज। ओके अभी हम आ गए हैं बोर्डिंग पास दिखा के, हमने फेस मास्क ले लिए हैं ये, ठीक है, तो अभी अभी हम जब निकलने जाएंगे तब हम उनको पहनेंगे, अभी इज़ टू अर्ली, अभी हमारे नॉर्मल मास्क काम कर, हाँ ये मास्क पहनना पड़ेगा, तो हम चेंज करेंगे जब हम निकलेंगे यहाँ से, तो ये फेस शील्ड मास्क है, 2 हैं, तो अभी जब हम पहनेंगे आपको दिखाएंगे। चलो ठीक है, ओके भाई। तो ये देखिए यहाँ पे एक्चुअली जो 3 सीट्स होती हैं फ्लाइट में, उसमें जो अगर आप विंडो साइड बैठते हो और आइल साइड बैठते हो तो सो के, बट अगर आपके बीच में कोई बैठता है तो उसको PPT किट पहननी पड़ेगी। जैसे देखो आप देख सकते हो ये सामने हमारे बंदा है, ये PPT किट पहन रहा है, इट्स लाइक अ यू नो रेनकोट सॉर्ट ऑफ थिंग डिस्पोजेबल, तो उसने वो पहना है, तो ये PPT किट होती है, जो बंदा सेंटर में बैठेगा उसको ये कंपल्सरी पहननी पड़ेगी, एंड ऑन टॉप ऑफ इट वो फेस मास्क जो मैंने हमने दिखाया था पहले, वो फेस मास्क तो है ही इम्पॉर्टेंट। सो जो जितने भी आई थिंक कुछ लोगों ने बीच में यहाँ पे पहनी हुई है PPT किट, दोज आर द पीपल जो कि सेंटर में बैठेंगे, 3 सीट्स होती है ना उनके सेंटर में बैठेंगे। हाँ तो ये तुम अब मास्क पहनने जा रहे हो, अच्छा ये मेरे लिए, तुम अपना वो लगाओ मास्क शील्ड लगाओ, तो मुझे क्यों दे दिया अभी से, मास्क पहन लो लेकिन वो शील्ड लगा लेता हूँ मैं। देखो इस पॉलिथीन में ये शील्ड निकली है, इसमें रबड़ बैंड है, ये पहना, हाँ ये शायद से, तो ये हमने फेस मास्क पहन लिया है, देख सकते हैं, हाँ चलो मूवी स्टार्ट हो गई, निकल रहे हैं अब।
सो ये हम ठीक है ठीक है, तो हम फ्लाइट में आ गए हैं। सो ये देखिए, शी सिटिंग देयर, आई एम सिटिंग हियर। सो द मिडिल सीट इज एम्प्टी एंड शी इज टेकिंग द विंडो सीट, आई एम ऑन द आइल साइड। प्लेन इज क्वाइट, आई एम नॉट सेइंग इज फुल, बट इट्स लाइक हाफ फुल, यू कैन सी एट द बैक, इट्स हाफ फुल ऑलमोस्ट, नॉट फुली पैक्ड। सो दिस इज थिंग, आई एम गोना बी वियरिंग दिस वन इन अ शॉर्ट वाइल एंड आई थिंक वी आर ओके। सो वी आर टेकिंग ऑफ द जर्नी फ्रॉम हियर। सो अभी हम तुम्हें मिलते हैं बैंगलोर में, बैंगलोर में मिलते हैं और फिर वहाँ तुम्हें दिखाते हैं, फिर क्योंकि उस बैंगलोर से हमें कंटिन्यू फ्लाइट करनी है टू लखनऊ। तो हाँ, और तो अब हम तुम्हें बैंगलोर में मिलते हैं, वी टेकिंग बाय फ्रॉम हियर, ओके बाय। तो तुम्हारी जो सीट है दैट्स अ इमरजेंसी एग्जिट, दैट मीन्स कि अगर इफ देयर विल बी अ प्रॉब्लम यू विल बी द फर्स्ट वन टू जंप आउट, सो यू विल बी द सेफर वन इन द होल फ्लाइट। तो बस हम निकल चुके हैं कोयम्बटूर एयरपोर्ट से और हमारी फ्लाइट टेक ऑफ करने को रेडी है। और ये देखो, हम बादलों के बीच में हैं कोयम्बटूर के आकाश में, और बस जैसे ही हम पहुंचते हैं बैंगलोर, आप लोगों से मिलते हैं। सो अभी वी हैव लैंडेड इन बैंगलोर, सो अभी बस हम यहाँ से फ्लाइट से निकल रहे हैं एंड देन हम आगे आपको मिलते हैं। तो अभी हम बैंगलोर एयरपोर्ट आ गए, तो अभी यहाँ पे हम अपने जो हमारा ट्रांसफ़र है ट्रांसफ़र गेट पे जा रहे हैं और दैट्स इट। तो यहाँ से हम अपनी ऑन गोइंग फ्लाइट लेंगे लखनऊ के लिए। हाँ, और ये मास्क पिच अच्छे लग रहे हैं, हटा देंगे इसको, अब जरूरत नहीं है, यहाँ पे थोड़ा ओपन एरिया में बैठेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पे अपनी बोर्डिंग गेट पे बैठेंगे ट्रांसफ़र पे, और यहाँ से 11:40 पे हमारी डिपार्चर है। चलो ठीक है फिर, हाँ बाय। तो ट्रांसफ़र के बाद वापस पूरा चेकिंग करके हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं डिपार्चर गेट पे, और क्योंकि यहाँ पर क्रिश की मिडिल सीट है तो उन्हें यहाँ पर पीपी किट पहनना पड़ेगा, ये पूरा जो भी ड्रेस है पीपी किट का, क्योंकि मिडिल सीट वालों को तो पहनना ही था। तो बस क्रिश उसके लिए रेडी हो रहे हैं। नीचे गिरा दी तुमने, नीचे गिरा दी। सो बस अब हम यहाँ से बस पे बैठेंगे, और यहाँ से क्योंकि टर्मिनल से रनवे थोड़ा दूर है तो वहाँ पर जाएंगे बस से और फिर प्लेन में बैठ जाएंगे। ये देखो, ये पीपीटी सुनना बोलते हैं, पीपीटी मैंने पहना है क्योंकि मैं इसके बराबर में बैठा हूँ, तो ये हम ऐसे आगे निकले। और ये हम अभी बैंगलोर फ्लाइट में बैठ गए हैं लखनऊ के लिए, और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, फिर आपको मिलते हैं। फ्लाइट इज़ फुली पैक, जो हमारी लास्ट फ्लाइट थी वो फुली पैक नहीं थी, ये फुली पैक है, तो अभी फिर मिलते हैं। सो फ्लाइट में अनाउंसमेंट हो चुकी है और अब हम पहुँचने वाले हैं लखनऊ, और आप देख सकते हो बादलों में कितना सुंदर व्यू है, ऐसा लग रहा है कि हमारा एयरक्राफ्ट बादलों को चीरते हुए आगे चला जा रहा है, और धीरे धीरे ये नज़र आ रही है लखनऊ की वादियाँ। ये देखो मेरा प्यारा लखनऊ आ गया। तो बस जैसे ही लैंड करते हैं मिलते हैं आप लोगों से हमारे लखनऊ में।
हम लखनऊ पहुंच गए। और कुछ स्पेशल बताना है आपको एयरपोर्ट के बारे में जो हम आपको एयरपोर्ट से बाहर जाते हैं। हाँ, तो अभी हम जाके अपनी बेल्ट से सब अपना लगेज लेंगे और हमारी टैक्सी इज बुक, अभी वो भी देखना है। 4 बजे की थी, हम थोड़ा जल्दी हैं, लेट्स सी क्या होता है। 2 बजे अभी हमारा बेल्ट का सामान आ गया है पीछे, ये बेल्ट पे हम बेल्ट से अपना सामान लेंगे और फिर यहाँ से निकलते हैं। हाय, सो अभी हमारा लगेज मिल गया है, लगेज हमने कलेक्ट कर लिया है। शी वेंट टू वॉशरूम और बस अब हम अपना टैक्सी का वेट करेंगे। टैक्सी थोड़ा लेट के लिए बुक है, तो देखते हैं बाहर कुछ खाने का मिलता है तो ठीक है, लंच करेंगे और फिर टैक्सी लेंगे और फिर आपको हम टैक्सी में मिलते हैं या फिर लंच करेंगे, लंच में मिलते हैं। फिर देखो पीछे ट्रॉली उस पर सामान आ रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट प्लेस, यहाँ मैं मिली थी फिर से पहली बार और इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्टोरी है, कहानी है, वो कभी फुर्सत से सुनाऊंगी, अगर आप लोगों को सुनना हो तो बताना हाँ। ज़रूर। और आज हम 2.5 साल के बाद उस जगह पर आए हैं जहाँ मैं पहली बार सामने खड़े होकर के कृष्ण का वेट कर, फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे मिले थे, फर्स्ट टाइम 2.5 साल पहले। तो वो एक पूरी एक स्टोरी है, यू नो लाइक जब वी मेट सॉर्ट ऑफ थिंग, तो वो हम आपको शेयर करेंगे, ज़रूर बताना हमें। और तो अभी लखनऊ पहुँच चुके हैं, मेरा प्यारा लखनऊ, मेरा दूसरा वाला घर, बहुत अच्छा और बहुत एक्साइटेड फील कर रही हूँ। तो चलो बाहर चलते हैं, देखते हैं कुछ खाते हैं और टैक्सी वाले का वेट करते हैं, टैक्सी वाला आता है तो फटाफट निकलना है। तो चलो मिलते हैं बाहर आप लोगों को। लास्ट टाइम यहाँ पे मिले थे हम, यहाँ खड़ी थी और तुम यहाँ से आए थे, मैं इधर से आया था, यहाँ टैक्सी थी, ये शेड नहीं था। हाँ, और ये सामने एक मेट्रो स्टेशन है यहाँ का, और मुझे देखा तुम्हारा मुंह इतना बड़ा खुल गया था, वो मेट्रो स्टेशन भी नहीं था, है ना। ये अराइवल है यहाँ का लखनऊ एयरपोर्ट का, ये एयरपोर्ट का, और डिपार्चर इज ऑन अदर साइड है। तो चलते हैं कुछ खाने को मिलता है, हमारी टैक्सी आने में अभी टाइम है। तो गाइस हम लोग यहाँ पर बाहर बैठ कर के टैक्सी का वेट कर रहे हैं, अभी 3 बज रहे हैं, 4 बजे तक टैक्सी आएगी, 3:15 बज रहे हैं अभी। और अभी कृष्ण ने कहा कि एक बार घर फ़ोन करके बात कर लो, मैं एक्साइटमेंट में कुछ भी बड़बड़ कर रही हूँ, घर फ़ोन करके बात कर लो, क्योंकि ना रोज़ इस टाइम पे कॉल करते हैं, मतलब रोज़ दिन में एक बार बात हो जाती है, सुबह भी कॉल करते हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा ना हो, सबको लगे कि आज कॉल नहीं आई, तो इसलिए मैंने फिर कॉल किया, अपनी बहन से बात किया। तो मैं वो लोग बाहर गए थे, वो पूजा होती है ना, कुआँ पूजना और वो सब पूजा होती है, आज वहाँ पे हल्दी है। तो मेरी बहन ने कहा क्या हुआ, टिकट हुआ तुम्हारा? मैंने कहा नहीं, यहाँ तो लॉकडाउन लग गया ना तमिलनाडु में, आज न्यूज़ आई थी कि लॉकडाउन लगा रहे हैं 31 दिसंबर तक। तो कह रही हाँ आज तो मैंने न्यूज़ में देखा था लॉकडाउन लग गया है। तो मैंने कहा हाँ, तो फिर तो हम लोग तो आए हुए हैं बाहर सब राशन लेने के लिए, बस वही लेके जा रहे हैं। कह रही अच्छा, फिर चलो फिर ठीक है, घर जाते तो बात करते हैं, वीडियो कॉल करो। हमने कहा नहीं अभी नहीं, अभी तुम बाहर है, घर जाके वीडियो कॉल करते हैं। तो बस ऐसा ही है, मज़ा आ रही है, अब तो एकदम उम्मीद ख़त्म हो गई उन लोगों की, क्योंकि मम्मी सोच रही थी कि चलो शादी में नहीं आएंगे तो रिसेप्शन में आ जाएंगे, तब तक तो लखनऊ की में दारा एक्स जवालिस भी हट जाएगी। बट अब उनको न्यूज़ मिली होगी कि 1 महीने का लॉकडाउन लग गया तमिलनाडु में, तो अब तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो अब मज़ा आने वाली है, तो जुड़े रहना, बड़ा मज़ा आएगा। लग गई है ठंडा, तो मेरा मुंह इस तरफ उस तरफ नहीं दिखाई दे रहा, अरे दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरे में काले काले लग रहे हो। ये मेरा मुंह तो आ गया है जैकेट में, उसने पहन लिया है स्वेट शर्ट। और ये देखो ये पीछे पीछे ये देखो ये कौन है, मुझे भी नहीं पता कौन, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया था। हाँ तुम्हें पता है? हाँ? सच में पता है, हिस्ट्री की बुक में भी है। अच्छा चलो बताओ, एक चीज़ मेरे को बताओ, मेरे को नहीं पता इसलिए। उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया था हैं कृषि के उसमें। तो गाइस आप लोग भी चेक करना और क्रॉस चेक करके बताना कि कृष सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या क्या चीज़ें की थी देश के। यार वो बस जा रहा है, तुम काले लग रहे हो, इधर आ जाओ। अभी आने वाला है और हम लोग वहाँ बैठे थे, वहाँ से भाग आए क्योंकि गेट के सामने एक बैग पड़ा हुआ है जिसका मालिक का आता पता नहीं है, और पुलिस वाले वहाँ सबसे सबको हटा रहे हैं, वहाँ कोई गाड़ी भी नहीं रुकने दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक अनजान बैग पड़ा हुआ है। तो लिटरली वो बम फट, हम दोनों यहाँ पर भाग आए और यहाँ पर खड़े हैं कोने में और वेट कर रहे हैं कि जल्दी से टैक्सी वाला आए और हम जाएँ, वरना बम के साथ साथ हम भी फट जाएंगे। हेलो, सो अभी हम अपना टैक्सी में है, कैब में है, कैब हमें मिल गई है और यहाँ से हम निकल रहे हैं, एयरपोर्ट से निकल गए हैं और
किससे? कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ से निकल गए हम, तो आई थिंक 4-4.5 घंटे का रास्ता है और 200 किलोमीटर है। ट्रैफिक है थोड़ा, अंदर अभी रहेगा, थोड़ा बाहर निकल जाएंगे तो कम होगा। और बस फिर हम 4-4.5 घंटे में पहुँचेंगे इलाहाबाद, और बस आपसे फिर मिलते हैं पहुँचने के बाद। बीच में कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो बताएंगे आपको, अदरवाइज जस्ट इन द कार जस्ट मूविंग अराउंड। लंच किया नहीं है क्यों? क्योंकि सिचुएशन ऐसी रही, अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलो फिर आपको मिलते हैं, ठीक है ना? चलो बाय। क्यों नहीं आ रहा? कोई नहीं, तो अभी हमने अपना आधा रास्ता कवर कर दिया है काफी, तो और मेरे से एक डेढ़ सात बज रहे हैं, और मेरे से एक डेढ़ घंटे का रास्ता, 1.5 से 2 घंटे का रास्ता होगा। देखो अंधेरा हो गया क्योंकि यहाँ अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो चलो ठीक है, वहाँ जब हम पहुँचने वाले होंगे तब आते हैं, फिर बताते हैं, ठीक है ना? चलो। हेलो, तो इधर आ जाओ। नहीं तुम करो। तो सफ़र जारी है दोस्तों, और कुछ ना कुछ परेशानियाँ आती जा रही है। जैसे एयरपोर्ट के बाद जब हम निकले तो लखनऊ से थोड़ा सा ही आगे आए थे, और टोल टैक्स पे अराउंड 40 मिनट हम फंसे रहे नंबर जाम का, और अभी 8 बजे के आसपास यहाँ पहुँचे थे। ये इलाहाबाद यहाँ से आई थिंक 40-50 किलोमीटर कुछ दूर है, अभी इतना डिस्टेंस बचा हुआ है, और सोचा था कि आधा घंटे में पहुँच जाएंगे, बट यहाँ भी जाम लगा हुआ है। आई थिंक कोई एक्सीडेंट हुआ है या कुछ हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, बहुत लंबा जाम है, और पिछले 15-20 मिनट से अभी हम यहाँ अटके हुए हैं। तो देखो घर कब पहुँचते हैं। तो जुड़े रहिए हमारी इस जर्नी में, इस एडवेंचरस सफ़र में। तो ये जो जाम लगा हुआ था वो ऑलमोस्ट खाली हुआ है, तो हम निकले हैं वहाँ से, देखो हालत क्या हो गई है, और अब देखते हैं। इच्छा भाई की मेहंदी लगना शुरू हो गई है, मैं अभी तक यहाँ कैब में मंडरा रही हूँ, और अभी यहाँ से है कोई 34-35 किलोमीटर, और देखते हैं ट्रैफिक के ऊपर है कैसे निकलना होगा। पहुँच तो जाना चाहिए था हमें आधे घंटे का। हाँ चलो अभी देखते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, ये जर्नी है वो भी मेरे भाई की शादी की, इतनी आसानी से पूरी नहीं होगी। बस अभी हम पहुंचने वाले हैं, और आकांक्षा वो भैया को रास्ता बता रही है फाइनल जाने का, तो बस हम पहुंचते हैं और सबको सरप्राइज देते हैं। सो ही इज वेरी एक्साइटेड। और तो अभी हम घर पहुंच गए हैं, और ये सरप्राइज है, और ये हमारे अंकल है। ये देख लो, ये हमें सबसे पहले मिले हैं यहाँ पे गली के बाहर, तो आप भी आओगे हमारी वीडियो में, ठीक है? तो अभी हम निकल रहे हैं और आपको मिलते हैं घर में, क्या होता है अभी सुनो। कोई नहीं, अभी हम आ गए हैं अपने गली में, देखो टेंट लगा हुआ है सामने, और अभी निकल रहे हैं। अंदर जाने का रास्ता है? अच्छा। चलो 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 चलो, अभी एंट्री कर रहे हो तुम। मुझे थका दिया यार। अरे तू सॉरी गाइज, इसके आगे का रिएक्शन कुछ खास हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि कृष्ण थोड़ा सा कॉन्शियस भी हो गए थे, ससुराल में आए हुए थे और हम सबसे मिलने में ही रह गए, और उसके बाद मेहंदी का फंक्शन चल रहा था, तो फटाफट चेंज किया और मेहंदी लगवाई है। तो मिलते हैं मेहंदी के बाद आप लोगों से। दोनों का कॉम्पिटिशन आपस में है, मियाँ भी हैं, तभी तो कॉम्पिटिशन है। अभी बज रहे हैं 2:30, और अभी हम लोग फ्री हुए हैं, मेहंदी लगवाई है हाथों में, और बहुत ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि आने के बाद यू नो क्रिश ऊपर सामान लेकर आए, अपना
ट्रॉली हमारी, और उसके पास सब लोग एक एक करके मिलते गए और हम मिलने में रह गए और ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और एज सच कुछ बहुत ज़्यादा सरप्राइज काइंड ऑफ रहा नहीं, क्योंकि आपने ब्लॉग में देखा होगा पीछे जो अंकल मिले थे हमें गली के बाहर, उन्होंने बता दिया था इन लोगों को फ़ोन करके कि तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज आ रहा है, दीदी आ रही है। तो जो सारा वो जो शॉकिंग वाला एक्सप्रेशन और वो सारी चीज़ें थी ना, वो ऑलरेडी इनके चेहरे पे आ चुकी थी। तो बहुत ज़्यादा कुछ हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, हाँ, बट मेरा भाई बहुत खुश था और वो मेरे से कह रहा था कि मुझे पता था ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी शादी हो और तुम ना हो। और मेरी बहन शी वॉज लाइक, मुझे तो पता था तुम आओगी। और मम्मी थोड़ा सा परेशान थी, उसका एक रीज़न है, उनकी तबीयत भी अच्छी नहीं हो, और एक और रीज़न है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, अभी नहीं, देयर इज़ सम रीज़न बिहाइंड इट। और अभी रात काफ़ी हो रही है, तो आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर व्लॉग्स पसंद आ रहा हो और ये व्लॉग सीरीज कंटिन्यू रखनी है, देखनी है, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, स्टे कनेक्टेड विद अस ऐसे ही मोर एक्साइटिंग व्लॉग सीरीज देखने के लिए। बाय बाय, होप यू ऑल लाइक आवर वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और बेल आइकन प्रेस करिए हमारे नए मोर अपकमिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू।